दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2024 में आप 2500 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं, कितना खर्चा आएगा डिटेल में दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों छत का खर्चा जानने से पहले आखिरकार हम ये देख लेते हैं कि हमें अपने छत के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ने वाली है। दूसरा दोस्तों छत में लगने वाला खर्च तो मैं आपको बताऊंगा सही, आप वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों छत से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी अभी मैं आपको साथ साथ देने वाला हूं, जिससे कि दोस्तों आपका छत मजबूत बने, लंबे समय तक का लाभ ले सकें। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों सर्वप्रथम हमें जो छत के लिए मटेरियल की आवश्यकता में आने वाला है मटेरियल है वो है सेंट यानी कि बॉर्डर। दोस्तों इसकी जगह यदि आप नदी का जो रिवर का रेत आता है ना वो भी अगर यूज़ करते हैं तो वो कितना लगेगा वो भी बताऊंगा। साथ साथ दोस्तों सैंड और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी को मैं दो तरीके से आपको बताने वाला हूं, एक क्यूबिक फीट के हिसाब से, दूसरा ट्रॉली के हिसाब से, जिससे कि दोस्तों आपको सुविधा होगी अपना मटेरियल खरीदने में। सीमेंट की बात करेंगे, स्टील यानी कि सरिया, बाइंडिंग वायर यानी कि पतला तार जो सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है, कोर ब्लॉक जो कि दोस्तों अपने छत के लिए बहुत ही अहम उपयोगी होता है। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है ना तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती है। दूसरा दोस्तों ये लाखों रुपए का जो खर्च कर अपना छत काम कार्य करा रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को मजबूत बनाने का, लाइफ टाइम इसका बढ़ाने का जो कार्य करता है कोर ब्लॉक, तो ये कितना लगेगा, कितने रुपये का आता है डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर पृष्टि, जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि छत ढलाई के कुछ समय पश्चात छत में सीलन आने लगती हैं, तो उस प्रकार की समस्या से ये बचाता है। दूसरा दोस्तों अगर अपना छत है वो सीलन से बचा रहा तो उसमें लगा हुआ जो सरिया है वो भी जंग से बचा रहेगा, और जंग न लगने के कारण दोस्तों अपना जो छत है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है डिटेल में बात करेंगे। लाइट फिटिंग यानी कि फैन वॉक्स पाइप वगैरह हम लगाएंगे तो उसका कितना खर्चा आएगा वो भी देखेंगे, और लेबर मिस्त्री का खर्चा कितना आएगा आज के भाव के हिसाब से वो भी देखेंगे। और दोस्तों होता क्या है कि हमारे जानकारी के अभाव में हमारा जो भी रेट तय होता है मिस्त्री द्वारा, उसके अलावा भी दोस्तों हमसे अदर चार्ज लिया जाता है, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस किस प्रकार से क्या क्या रेट, उस रेट के अंतर्गत क्या क्या कार्य करके वो हमें देते हैं और कोई अदर चार्ज लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों सर्वप्रथम सेंट यानी कि बॉर्डर। दोस्तों इसमें हमारा सेंट लगेगा, अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके लगेगा 825 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की अगर बात करें तो दोस्तों ट्रॉली लगभग आपको 9 ट्रॉली इसमें लग जाएगा। भाव की बात करें तो लगभग अभी रेट चल रहा है दोस्तों 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं तो ये बनता है दोस्तों अपना 49,500 रुपये का सेंट यानी कि बॉर्डर। दोस्तों इसकी जगह यदि आप नदी का रेत भी यूज़ करते हैं ना तो भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी और सेम रेट में लगभग आपको मिल जाता है। एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करें तो गिट्टी भी दोस्तों आपको सेम क्वांटिटी रहेगी यानी कि 825 क्यूबिक फीट ही, और भाव दोस्तों इस भाव से थोड़ा कम है, 10 रुपये कम है यानी कि 50 का रेट अभी चल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 41,250 रुपये का अपने एग्रीगेट यानी गिट्टी बनता है। सीमेंट की बात करें, सीमेंट दोस्तों इसमें आपका लगेगा 200 बैग सीमेंट लग जाएगा। भाव की अगर बात करें, चूँकि अभी अल्ट्राटेक का जेके सुपर का जो रेट है उसका 360 रुपये पर बैग के हिसाब से मिल रहा है, जो कि दोस्तों 50 किलो आता है। गुणा अगर हम करते हैं तो बनता है दोस्तों 72,000 रुपये का अपना सीमेंट। दूसरा दोस्तों ये जो मैं आपको सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का जो क्वांटिटी बता रहा हूँ ना, अपना जो छत का थिकनेस है, छत की जो मोटाई है 5 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टील यानी कि सरिया की बात करें तो सरिया दोस्तों इसमें आपका लगेगा 18 क्विंटल 80 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो मैं सरिया बता रहा हूँ ना आपको फुल 10 mm के हिसाब से बता रहा हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 10 mm 12 mm मिक्स से या फिर आप फुली 12 mm का सरिया यूज़ करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 63 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों मोयरा कंपनी का जो सरिया आता है आपने नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी अच्छा सरिया रहता है दोस्तों छत के लिए, तो उसका यह रेट है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं 55, 58, 60 रुपये में भी आपको अभी मिल जाता है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है आपके 118,440 रुपये का सरिया। बाइंडिंग वायर यानी पतले तार की बात करें, दोस्तों पतला तार आपके इसमें लगेगा 20 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ सरिया बांधने का, जाल बांधने का, होता क्या है कि बहुत सी जगह जो शटरिंग का कार्य किया जाता है ना उसमें भी पतले तार का यूज़ किया जाता है, तो वो तार दोस्तों आपके एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। भाव की बात करें तो इस मेन सरिया से दोस्तों इसका भाव टाइट रहता है, अभी चल रहा है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं 2000 रुपये का बनता है। दूसरा दोस्तों ये नंबर से आता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये 18 नंबर लगता है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ ना, ये रेट मेरे यहाँ का रेट है, जैसे कि 60 हैं, 50, 360, 63 रुपये और 100 रुपये, इस हिसाब से जो रेट मैंने बताए हैं और आगे भी मैं जो रेट बता रहा हूँ मेरे यहाँ का बता रहा हूँ।
दोस्तों होता क्या है कि जो छत का जो खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ। और भारत इतने बड़े देश में होता क्या है कि अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग जो मटेरियल है उसका रेट देखने को मिलता है। हमारे एक भाई जो कमेंट कर रहे थे, उनका बोलना था कि हमारे यहाँ सीमेंट का जो रेट है वो 500 रुपये पर वे के हिसाब से मिल रहा है। तो उसके हिसाब से दोस्तों अगर छत का खर्चा जोड़े ना तो काफ़ी छत का खर्चा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, जिससे कि दोस्तों हमारे बहुत भाई जो होते हैं ना कमेंट पढ़ते हैं और इनको भी अनुभव में आता है कि हमारे भारत में हम रह रहे हैं और भारत के किस क्षेत्र में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कवर ब्लॉक का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, कवर ब्लॉक की अगर कमी हमारे छत में रहती है ना तो इस प्रकार की समस्या छत में हमारे भविष्य में आ सकती है। दूसरा दोस्तों, ये लाखों रुपए का खर्च कर कर अपना छत का कार्य हम करा रहे हैं, इस छत को मजबूत बनाने का, इस छत को लंबी उम्र देने का जो कार्य करता है वो करता है कवर ब्लॉक। कितना लगेगा दोस्तों? वह लगेगा लगभग आपके 400 नग लग जाता है और आता है केवल 2 रुपये का, जो कि बनता है 800 रुपये का। दोस्तों कोर ब्लॉक का जो काम है दोस्तों, यूँ समझ लीजिए कितनी भी स्वादिष्ट आपने सब्ज़ी बनाई है उसमें अगर नमक की कमी रहती है तो आपका जो सब सब सब्ज़ी बेकार है। उसके हिसाब से दोस्तों, जैसा कि आपने चाहे आपने सेंड अच्छा ले लिया, एग्रीगेट अच्छा ले लिया, सीमेंट स्टील सब कुछ आपने अच्छा लगा लिया है, लेकिन इसकी अगर कमी हमारे छत में रह जाती है ना तो सब खर्चा, सब जो भी आपने खर्च किया है वो सब बेकार चला जाता है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। डॉक्टर पृष्ठ की बात करें दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि छत ढलाई के कुछ समय पश्चात छत में सीलन आने लगती हैं, तो उस सीलन को ये बचाता है। वैसे दोस्तों छत में जो सीलन आती है ना उसके कई और भी कारण होते हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन डॉक्टर पृष्ठ का एक ऐसा लिक्विड होता है ना दोस्तों, अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उस समस्या से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अपना जो छत में उसमें अगर सीलन नहीं आती है, उसमें लगा हुआ सरिया है वो जंग से बच जाता है। स्वाभाविक बात है कि छत में लगा हुआ सरिया जंग से बच जाता है तो छत है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। कितना लगेगा देख लेते हैं दोस्तों। ये लगेगा आपके 25 लीटर लगेगा। भाव की बात करें तो 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से अभी मार्केट में मिल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों, ये बनता है आपके इसमें 3,750 रुपये का। लाइट फिटिंग की बात करें दोस्तों, लाइट फिटिंग का खर्चा लगभग आपको 4500 रुपये का खर्चा इसमें आ जाता है, फैन बॉक्स डिबिया पाइप वगैरह हम लगाएंगे तो। और लेबर मिस्त्री की बात करें दोस्तों, लेबर मिस्त्री का जो खर्चा है ना अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो शटरिंग लाना, ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा होता है वो इसी के अंतर्गत ऐड होता है। उसके बाद शटरिंग लगाना, उसके बाद दोस्तों अपना जाल बांधना, उसके बाद मिक्सर मशीन द्वारा अपनी छत की भराई करना, जो सब खर्चा है ना दोस्तों इसी 30 रुपये के इसमें जोड़ लिया जाता है। और जो भी अपना छत बन रहा है, जैसे कि 2500 स्क्वायर फीट बन रहा है तो 2500 का गुणा हो जाता है, जो बन जाता है दोस्तों 75,000 रुपये। इसके अलावा कोई अदर चार्ज आपका आपको नहीं देना होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अपना 2024 में 2500 स्क्वायर फीट का छत का प्लान कर रहे हैं। इस रेट के हिसाब से इस जो मटेरियल है उसका, इस आज के रेट के हिसाब से अपना जो मटेरियल है इतने रुपए में पड़ रहा है। तो अगर हम सब खर्चा जोड़ते हैं ना दोस्तों, टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है दोस्तों 3,67,240 रुपये का दोस्तों आपके इसमें छत ढलाई का खर्च आने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें दो, ताकि दोस्तों आप उनका जो छत का कार्य करो भविष्य में करा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो उनको भी अनुभव में रहेगा कि किस प्रकार से अपने छत में विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना होता है। दोस्तों छत का खर्चा तो कोई बता देगा, लेकिन कुछ विशेष जो बातें होती हैं ना छत से संबंधित वो कोई आपको नहीं बताएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनों को शेयर करें। आपका छत चाहे कितना भी बड़ा हो छोटा हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।